अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं सुबान फहीम से रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाने आए हूं गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 का एक पोर्शन है, सेकंड फ्लोर विद रूफ। इसमें 3 बेड है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है, किचन है और इसके साथ आपको छत भी अलॉट होगी। ये मैं जो खड़ा हूँ, ये स्पेस जो है इसका सेकेंड फ्लोर के स्टेयर्स हैं। ये स्टेयर्स से हम और ये इस पोर्शन का मेन एंट्रेंस है। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसका मेन एंट्रेंस है। इस मेन एंट्रेंस से आप आते ही फौरन आप आएंगे इस पोर्शन के टेरेस पे। अच्छा बड़ा कुशादा टेरेस है, ये ऊपर खूबसूरत फॉल सीलिंग का काम है। व्यूअर, इस पोर्शन में थोड़ा सा काम रिमेनिंग है जो कि फाइनल टचअप है वाइट वॉश का, वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज दिस विल बी कम्प्लीटेड। तो ये पोर्शन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, ये आपका टेरेस था सेकंड फ्लोर के पोर्शन का। ये हम इंटर हो रहे हैं, इसका ये मेन एंट्रेंस है इस पोर्शन का। ये आप डोर देख सकते हैं, इससे हम आए, ये आ गए हम इस पोर्शन के लाउंज में। अच्छा खूबसूरत कुशादा पोर्शन है, ऊपर सिंपल सी ग्रे और वाइट की कम्बिनेशन है और ये आप देखें मीडिया वॉल लगी हुई है इस तरफ, अच्छी बड़ी मीडिया वॉल लगाई है और इसमें लाइटें हैं। इधर आपके फ्रेम पिक्चर्स वगैरह शोपीस रख सकते हैं और लाउंज के साथ ही आप ये देखिए इसका ये ओपन किचन है। ये अच्छा बेहतरीन किचन है, ये लाइटें लगी हुई इसमें, ये देखिए ग्रे एंड वाइट कम्बिनेशन है और जो इसका ग्रेनाइट है वो इन्होंने ग्रे कलर में लगाया है। इसके साथ ही इसका ओवन लगा हुआ है, ये इसका ऊपर लगा हुआ है। ये आप देखिए इस जगह पे, यहाँ पे भी अच्छे खास स्पेस है, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीजर। ये जगह पे आप अपनी क्रॉकरी वगैरह रख सकते हैं। ये जो आपको खाने नजर आए इसमें आपका माइक्रोवेव आ जाएगा, इसमें और कुछ और लाइटें लगी, इसमें भी आपकी कुछ क्रॉकरी वगैरह आ सकती है। जस्ट लाइक ए डिनर बैग। वेंटिलेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे एक विंडो दी हुई है, अच्छी खासी बड़ी विंडो है। इसको अगर हम खोलते हैं, ये देखिए ये थ्रू वेंटिलेटर है। इस लाउंज से हम आए हैं अब इस पोर्शन के पहले बेडरूम में। ये आप इसका सेकंड फ्लोर का जो पोर्शन है इसका ये पहला बेडरूम है। ऊपर देखिए फॉल सीलिंग का काम है, लाइट्स लगी हुई है और इसके ऑनर ने कुछ थोड़ी सी कलर कम्बिनेशन चेंज की है वॉल्स की, तो ये मतलब एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। और ये इस फर्स्ट बेडरूम का ये अटैच बाथ है। अच्छा बड़ा कुशादा अटैच बाथ है, ये पहले बेडरूम से हम निकल कर आए हैं, हम आ गए इसके सेकंड बेडरूम में। ये बड़ा बेडरूम है अच्छा खासा, देखिए अब ऊपर ग्रे और वाइट फॉल सीलिंग का काम है। इसमें ऑनर ने थोड़ी सी चेंजिंग की है, जो थोड़ी सी इसकी छत की खूबसूरती में इजाफा करी है। जहाँ फॉल सीलिंग के साथ साथ इन्होंने ये खूबसूरत जाफरी का भी मतलब लकड़ी का काम किया हुआ है, देखने में इसका लुक अच्छा नज़र आ रहा है। और इस बेडरूम के साथ अब ये देखिए मैं आया हूँ इस बेडरूम के टेरेस में। ये इसका वॉशिंग एरिया है, इसको आप टेरेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर लाइंस वगैरह पूरी दी हुई हैं और इस बेडरूम के साथ ये दो विंडो इन्होंने दी हैं वेंटिलेशन के लिए और इसका ये कुशादा और बड़ा बाथरूम है। और इस बाथरूम के अंदर इन्होंने वार्डरोब भी बनाई हुई है, पूरी वॉल टू वॉल वार्डरोब है ये।
सारे इसमें आपके ड्रेसिंग वगैरह ऊपर भी आप इसको यूज करें इसको, और इसके साथ मिरर भी अच्छा बड़ा स्पेशियस लगाया है, बेहतरीन सैनिटरी इन्होंने इस्तेमाल की इम्पोर्टेड। ये आपका शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट है, ये सेकंड बेडरूम से हम निकल कर लेके जाऊंगा मैं आपको इस पोर्शन के तीसरे बेडरूम में। ये आ गए हम इसके तीसरे बेडरूम में। इस बेडरूम में भी अच्छा कोई वॉल्स की इन्होंने कलर कम्बिनेशन दी है, ऑफ वाइट के साथ लाइट ग्रीन, ऊपर फॉल्स सीलिंग है। और ये जो विंडो आपको नज़र आ रही है ये बराबर वाला जो आपको हमने दिखाया था बेडरूम उसके साथ, ये भी आप इसको वेंटिलेशन के लिए इस विंडो को यूज कर सकते हैं। और ये हम आ गए इस तीसरे बेडरूम के बाथरूम में। ये इसका अटैच बाथ है, वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा बाथरूम है, उसमें साथ वही वार्डरोब बनी हुई वन टू वन पूरी अच्छी कुशादा है। इसमें आपके तमाम ड्रेसेस वगैरह अच्छा सामान है ऊपर रखने के लिए, ये भी अच्छी खासी बड़ी मतलब इसमें गुंजाइश है दोनों में। सैनिटरी भी अच्छी इन्होंने इस्तेमाल की है, और इवन के इसमें जो इन्होंने फ्रश जो इस्तेमाल किए हैं डोर भी मतलब अच्छी क्वालिटी के नज़र आ रहे हैं, मजबूत क्वालिटी है बेहतरीन। लॉक वगैरह भी बहुत स्टैंडर्ड के इन्होंने यूज़ किए हैं। अब हम तीसरे बेडरूम से निकल कर मैं आपको लेके जाऊंगा इस बंगलो के ड्राइंग रूम में। ये आ गए हम इस बंगलो के ड्राइंग रूम में। इसका ये मेन एंट्रेंस से था रास्ता, लाउंज से रास्ता था, और एक आपको मैं ये भी आप ये देखिए इसमें इन्होंने डिफरेंट थोड़ा टाइल इस्तेमाल किए हैं, ऊपर वो फॉल सीलिंग का काम है, और साथ साथ इसमें इन्होंने आपके गेस्ट के लिए क्वार्टर रूम भी दिया हुआ है। ये भी बस मैं आगे आपको लेके क्वार्टर रूम में इसके ये देखिए इस क्वार्टर रूम में इन्होंने शावर मिक्सर भी लगाया हुआ है, अगर आपका कोई गेस्ट नहाने में इंटरेस्टेड है तो उसको यूज कर सकता है। वेंटिलेशन की विंडो है, ये इसका ड्राइंग रूम का एंट्रेंस है। ये जो दो दरवाजे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये राइट साइड पे मेरे, ये राइट साइड का जो है ये पोर्शंस का मेन एंट्रेंस है, और मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये इसका ड्राइंग रूम का एंट्रेंस, मतलब बिल्कुल सेपरेट है। ये गेस्ट वगैरह आएंगे तो आप इसको यहाँ से सेपरेट कर दीजिएगा। इसमें स्लाइडिंग डोर लगाया हुआ है इन्होंने। जो अब मैं आपको इस पोर्शन की छत पर लेके जाऊँगा, ये हम जा रहे हैं इस पोर्शन की छत पर, क्योंकि ये पोर्शन वाइज है, तीन पोर्शन है, ग्राउंड है, फर्स्ट है और सेकंड है, लेकिन सेकंड वाले को ऑनर ने कहा मैं छत के साथ सेल करूंगा। ये विवाद आ गए हम इस सेकंड फ्लोर का जो पोर्शन है उसके रूफ पर आ गए, अच्छी बड़ी कुशादा 240 अर्थ का चूंकि बेंगलोर है, बड़ी कुशादा स्पेशियस छत है। ये साथ में इसके देखे इन्होंने एक टेरिस टाइप बना दिया है, अच्छी लुकिंग डिजाइन है, देखने में खूबसूरत नजर आ रहा है। ये बड़ी कुशादा छत है, इधर शाम में आप बैठें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपने घर की कोई तकरीब हो उसमें यहाँ आप इंटरटेन कर सकते हैं। और चूंकि ये जो एरिया आप मैं आपको दिखाऊं ये गुलशन इकबाल का ब्लॉक 5 है, ब्लॉक 5 जो गुलशन के VIP ब्लॉक्स में आता है, इसमें तमाम सहूलतें पानी बिजली गैस हर चीज़ मौजूद है, नियरेस्ट टू रोड है, हॉस्पिटल है यहाँ नियरेस्ट आपके, दो यूनिवर्सिटियाँ आपके करीब पड़ती हैं यहाँ से, सरसई यूनिवर्सिटी भी है, कराची यूनिवर्सिटी भी है, NED यूनिवर्सिटी है। मेन पे आप चले जाते हैं अबुल हसन स्पाई रोड आता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाएंगे तो मेन कराची यूनिवर्सिटी रोड है, और अगर आप राइट साइड पे इंटर होते हैं रोड से तो आपके मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं छोटे, जैसे रब मेडिकल हो गया, शान हो गया, नदीम वगैरह, इस तरह के हॉस्पिटल हैं। व्यूअर्स अगर इस पोर्शंस को आप देखने में इंटरेस्टेड हैं या इसको आप परचेज करना चाह रहे हैं
इसका विजिट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे जो सेम रियल इस्टेट के नंबर्स हैं उन पे हमारी टीम से रابطہ कायम कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको इसके मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दे। इसकी जो डिमांड ये कर रहे हैं ऑनर 3,65,00,000 है, पसंद कीजिए, ऑफ़र दीजिए, दिस इज़ निगोशियबल। इसी के साथ ही मुझको इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।